न्यूज़ फॉर सिटी में आपका स्वागत है। यूजीसी ने नेट की अनिवार्यता की है, तो इस मुद्दे पे आपका क्या विचार? वहीं इस मामले में डीयू एकेडमिक काउंसिल के सदस्य प्रोफेसर हंसराज सुमन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, हाल ही में एक यूजीसी ने पत्र भेजा है और उस पत्र में ये कहा गया है कि 15 जून तक हम उन छात्रों का फीडबैक लेना चाहते हैं जिसमें नेट की अनिवार्यता जो है करने जा रहे हैं, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एससी एसटी ओबीसी के वे छात्र जिनके जो पहले से कर रहे थे बिना नेट के एमफिल और पीएचडी, लेकिन इस बार जो है यूजीसी ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसकी वजह से इस साल पहली बात तो एमफिल और पीएचडी में सीटें धीरे धीरे कम होती जा रही है, दूसरा सीटों से ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वे बच्चे जो किसी तरह से एमफिल और पीएचडी कर लेते थे बिना नेट के और बाद में नेट कर लेते थे, ऐसी स्थिति में वो उससे बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। ये सीधा जो है हमला है एससी एसटी ओबीसी के उन छात्रों के ऊपर। कुछ दिन पहले यूजीसी ने ग्रांट में कमी की थी, जो स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को पीएचडी के लिए, उस ग्रांट में भी कमी की थी। अभी तक जो है बहुत सारे एससी एसटी का क्या मानसिकता क्या दर्शाते हैं यूजीसी की कि एससी एसटी ओबीसी और जो लोअर ग्रेड का जो तबके के लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ना ना देना चाहते क्या? देखिए, जब भी कोई नई सरकार आती है वो नया काम करती है, तो हो सकता है कि सरकार की कुछ इस तरह की मानसिकता जो है पहले दिन से ही एससी एसटी ओबीसी के विरुद्ध में रही है, और यही कारण है कि आते ही पहली बार तो जो है उन्होंने 45% जो है वो कट कर दिया, और अब जो है एससी एसटी के उन विद्यार्थियों को जो 2 साल से जो है स्कॉलरशिप मिल रही थी उनको जो है एसटी के कैंडिडेट का अभी तक जो है वो स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, जिसको हम जेआरएफ कहते हैं, वो जो 2 साल से जेआरएफ जो है वो बंद पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी जो है हायर एजुकेशन में आना चाह रहे थे वो अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक ही उनके पास जरिया होता है कि किसी तरह से जो है छात्रवृत्ति प्राप्त करके हम जो है उच्च शिक्षा में आ जाए, लेकिन अब सरकार ने धीरे धीरे जो है वो ऐसा करती जा रही है ताकि जो है एससी एसटी ओबीसी के विद्यार्थी जो है वो ना आने पाए। अभी ये देखिए, ओबीसी का रिजर्वेशन तो 2007 से लागू हुआ है और 2007 के बाद में जो सरकार ने उनको पैसा दिया कि आप जो है हायर एजुकेशन में जो है एमफिल पीएचडी करने के बाद टीचर्स लगाइए इनको, और दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा देश भर में 40 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें 6,500 वैकेंसी आज भी खाली पड़ी हुई है, वो सारी वैकेंसियाँ एस सी एस टी ओ बी सी की है। ऐसी स्थिति में जब नेट की अनिवार्यता कर दी गई है और बजट में कटौती कर दी गई है, तो कैसे जो है उनका वो आगे पहुंच पाएंगे वे विद्यार्थी? सर, देखने में आता है कि एक तरफ तो कटौती पे कटौती की जा रही सरकार, दूसरी तरफ सिस्टम ऐसा भी बना हुआ है कि रोस्टर प्रणाली का भी ठीक से वो नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने आरक्षण जो है 1997 से लागू किया और उसके बाद लंबे समय तक जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में रोस्टर को जो है सही ढंग से लागू नहीं किया गया। पूर्व वाइस चांसलर दिनेश सिंह जो है 28 सितंबर 2013 को जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 1664 जो है अमेंडमेंट करके एक अधिनियम बना करके उसमें जो है 28 सितंबर 2013 से लागू किया और उस रोस्टर को ऐसा बनाया जिससे कि पोस्टें जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो एस सी एस टी के लिए 1997 से 200-point रोस्टर लागू करना चाहिए था वह 28 सितंबर 2013 से लागू हो रहा है, यानी कि ये देखिए 16 साल का बैकलॉग शॉर्टफॉल जो है वो एस सी एस टी का मारा गया। जिन ओबीसी के लिए 2007 से आरक्षण लागू करना चाहिए था उनका 2013 से लागू किया गया, यानी कि 7 साल से उनका भी मारा गया है शॉर्टफॉल और बैकलॉग। तो लंबे समय से जो है सरकार भी और विश्वविद्यालय भी जो है रोस्टर के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिससे रोजगार तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ साथ छात्रों की जो एजुकेशन है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, छात्र जो है उससे प्रभावित होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर विभागों में 1,000 पद खाली पड़े हुए, 4,500 पद जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध जो है 78 कॉलेज है, उन 78 कॉलेजों में खाली पड़े हुए हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो शिक्षा प्रभावित हो रही है, क्योंकि जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो शिक्षा कैसे होगी? हालांकि जो लगे हुए हैं एडहॉक जो लंबे समय से 10 साल से 12 साल से 15 साल से, ऐसी स्थिति में उनके सामने भी संकट आ गया है, ना वे इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। एडहॉक वाले भी कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में रहते हैं, मानसिक दबाव में और प्रिंसिपल के दबाव में, सीनियर टीचर के दबाव में, क्योंकि हो सकता है कि कभी भी उनको जो है किसी भी समय कॉलेज से निकाला जा सकता है। 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दे करके
किसी भी समय एडहॉक टीचर्स को या गेस्ट टीचर को जो है वो बाहर किया जा सकता है। स्थितियाँ जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अदर यूनिवर्सिटियों में बनी हुई हैं, तो इनके लिए आप प्रशासन से कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो कैसे उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा? देखिए, हमने पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी, यूजीसी, एमएचआरडी, तमाम और एससीएसटी कमीशन, अब देखिए आप दिल्ली में जो है 1024 जो है विद्यालय है, वहाँ 17,000 जो है गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। 17,000 कोई मामूली संख्या नहीं है, ये 17,000 पिछले एक दशक से जो है उन विद्यालयों में काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक। इसी तरह से 4,500 शिक्षक जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में, इसी तरह से जामिया, जेएनयू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी में सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो लंबे समय से जो है एडहॉक पर काम कर रहे हैं। कोई उनके सामने, अब उनके सामने संकट आ गया है कि संकट ये है कि हम कब परमानेंट होंगे, क्योंकि वैकेंसी तो निकाली जा रही है लेकिन ये वैकेंसी लंबे समय से कई कई बार निकाली गई लेकिन भरी नहीं गई है। और उम्मीदवारों के सामने एक और संकट है